press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट जलेबी। इसको बनाना बहुत ही आसान है, ये 15 मिनट में बन जाती है। इसको आप घर पे बनाएं और साफ़ सुथरे तरीके से हलवाइयों से लेने की बजाय, हलवाइयों की दुकानों पे अक्सर बहुत मक्खियाँ होती हैं और अनहाइजीनिक होती हैं ये चीज़ें, तो घर पे बनाया करें और बहुत जल्दी ये चीज़ें बन जाती हैं और बनाने में भी बहुत आसान होती हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे बनेंगी। ये हमने हाफ कप नीम गर्म पानी लिए, इसमें हम यीस्ट डालेंगे और ये हाफ टी स्पून शुगर डालेंगे और इसे मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे। चीनी जो है वो यीस्ट को एक्टिव करती है, इससे हमारा जो बैटर है वो बहुत अच्छा सा तैयार हो जाएगा। अब जलेबियों के लिए हम चाशनी तैयार करेंगे। मैं हम 1 कप जो है इसको मैं पानी का डालेंगे और 2 कप चीनी, 1 और ये 2 कप चीनी हो गई, और इसमें कुछ इलायचियाँ शामिल करेंगे। हमें एक तार का शीरा तैयार करना है, जब तक कि चीनी डिजॉल्व ना हो जाए तब तक हमें चम्मच हिलाते रहना है इसमें। ये देखिए चाशनी हमारी तैयार हो रही है। अब इसको 2-3 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस डालेंगे। लेमन जूस डालने का मकसद ये होता है कि हमारी जो, जब हम इसमें जलेबी डालेंगे तो जलेबी के ऊपर जो है क्रिस्टल नहीं आएंगे और वो ये शीरा जो है ना ये जमने नहीं पाएगा और ये बिल्कुल इस तरह लिक्विड सा रहेगा। अब हम इसे 1-2 मिनट और पका के और स्टोव को बंद कर देंगे। चाशनी तैयार हो गई है, अब हम इसे इस तरह कंटेनर में निकाल लेंगे। अब हम जलेबी का बैटर तैयार करेंगे। इसके लिए हम 1 कप मैदा लेंगे, 1 टेबलस्पून बेसन, 1 टेबलस्पून ऑयल और ये जो यीस्ट हमने घोल के रखा था इसको इसमें शामिल कर देंगे। करेंगे हम अब इसमें हम तकरीबन 1/4 चम्मच कलर, फूड कलर डालेंगे। मिक्स करेंगे अच्छे से कलर डाल के इसको। इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए और बहुत अच्छा ऐसे फ्लोई सा जो है बैटर तैयार होना चाहिए। ये देखिए ऐसे अच्छे से इसको बीट करना है। अब हमने इस तरह का एक बोल ले लिए, अब ये सारा बैटर हम इसमें डाल देंगे। ये हमने इस बर्तन में इसलिए डाला है कि इसके आगे इस तरीके से ये बना हुआ है और हम इसको बोतल में डाल देंगे। अगर आपके पास फनल है तो आप फनल के ज़रिए बोतल में डाल सकते हैं। इस तरह की एक डिस्पोजेबल बोतल लें और उसके ढक्कन में ऊपर आप इस तरीके से एक छोटा सा सुराख कर दें और आप इसको बैटर को हम इसमें डालेंगे बोतल में। ये देखिए हमने बैटर इसमें भर दिया। अब हम ऑयल को गरम करते हैं। ये ऑयल गरम हो चुके हैं, अब हम ये इसको जलेबी को इसमें डालेंगे। इसको हमने मीडियम आंच पे फ्राई करना है। ये देखिए अब एक साइड से हो गई है, अब हम इसे टर्न करेंगे दूसरी साइड से। देखिए कितना अच्छा इस पे कलर आया है, बहुत अच्छी लग रही है।
दूसरी साइड से भी अच्छे से पकाएंगे। इसको हमने मीडियम फ्लेम पे पकाना है। ये देखिए जलेबियाँ हो चुकी हैं, ये बहुत कुरकुरी हो चुकी हैं। अब हम इसको शीरे में डालेंगे। ये देखिए इसको अब हम शीरे में डालेंगे। शीरे में हमने इसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखना, बस इसे हम 1 मिनट शीरे में रखेंगे। जितनी देर ये डिप पे उतनी देर हम दूसरी वाली जलेबियाँ इसमें डालते हैं। ये देखिए आपने इस तरह आराम से बैटर डालना है और ऐसे गोल गोल घुमाते जाना है ऐसे ऐसे, और बहुत आराम से ये बनती जाती हैं। ये देखें कितनी अच्छी बन रही हैं। ये देखें ऐसे गोल गोल घुमाते रहना है आपने इसको। अगर आप छोटी बड़ी जिस तरह की भी चाहें आप बना सकते हैं। ये देखें इसे 1 मिनट हो गया, बहुत ज़्यादा देर इसको शीरे में हमने नहीं रखना। और ये बस अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देखें इसे डिश आउट करेंगे। ये देखें कितनी अच्छी कुरकुरी जलेबियाँ तैयार हुई हैं। ये देखें आप इसे भी ऐसे टर्न कर दें। ये देखें ये बिल्कुल कुरकुरी बनी है, बहुत ही अच्छी, कलर भी इसका बहुत अच्छा आया है। ये देखें अब ये भी हो गई है। अब हम इसे भी शीरे में डालते हैं। ये देखें इसे भी हम शीरे में अच्छे से डिप करेंगे। चलिए अब 1 मिनट इसको भी शीरे में डिप करके हम इसे भी डिश आउट करते हैं। ये देखें हमने जलेबी को डिश आउट कर दिया है। ये देखें कितनी अच्छी लग रही है और इसका जायका भी बहुत अच्छा है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। ये बिल्कुल हलवाइयों की तरह तैयार किया है मैंने, और ये बहुत कुरकुरी और बहुत ही मज़ेदार है। और ये देखें मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें कितनी अच्छी कुरकुरी जलेबी तैयार हुई है। आप ज़रूर इसको ट्राई करें, आपको ये रेसिपी इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।